सड़क का टेंडर किसी और इलाके के लिए हुआ और सड़क का निर्माण किसी और कॉलोनी में शुरू करा दिया गया। भागलपुर शहर के वार्ड नंबर 50 और 51 में ऐसा ही आरोप लग रहा है। सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण हो रहा था, लेकिन कुतुबगंज के लोगों ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि बब्बरगंज कॉलोनी के लिए सड़क का टेंडर हुआ, लेकिन पार्षद की मनमानी से सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया, जबकि कॉलोनी में पहले से ही पक्की सड़क बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भागलपुर नगर निगम की ओर से यहां सड़क बन रही थी, लेकिन लोगों ने सड़क निर्माण का विरोध करते हुए सड़क ही जाम कर दिया। बबरगंज थाना इलाके के कुतुबगंज के ये लोग लोगों का कहना है कि कुतुबगंज में बबरगंज कोयली रोड अब तक कच्ची है। नगर निगम से बबरगंज से कोयली तक सड़क निर्माण का टेंडर हुआ, लेकिन वार्ड पार्षद ने मनमानी करते हुए सड़क का रुख सूर्यलोक कॉलोनी की तरफ कर दिया, जबकि सूर्यलोक कॉलोनी में पहले से ही पक्की सड़क है। लोगों का आरोप है कि पार्षद की मनमानी से सूर्यलोक कॉलोनी में पहले से ही बनी सड़क पर सड़क बनाई जा रही है। कितना गंजन की तरह है इधर, आज इधर बना हुआ उसका ऊपर से ढलाई हो रहा है, जो कि एक्चुअली पनिशमेंट है। उसका घर में खाने का उसको खाना मिल रहा है, और जो भुक्का उसको भुक्के में छोड़ रहे हैं उसको भी खाना मिलना चाहिए। कुतुबगंज को लीडर दो वार्ड में आता है, 50 और 51, दोनों पार्षद कोई नहीं आता है कभी भी, खाली बस आता है बोर्ड पूछा जाता है बनेगा बनेगा, बोर्ड का आता है इस बार पास हो जाएगा नहीं, कभी ध्यान नहीं देता आके दोनों पार्षद। आज रोड जाम किए हैं, उधर ज्यादा दिक्कत है, इधर रोड बना हुआ है, देखिए फिर भी बना रहा है। रोड में पास होना था ये टेंडर, और इसको सूर्यलोक कॉलोनी के तरफ मोड़ दिया गया, और बताया जा रहा है कि कोयली खुटाहा रोड यही है, जबकि ऑल पूर्वज के तरफ से कोयली खुटाहा रोड ये सीधे जाके आगे से मुड़ता है, जिसका हम लोग ने कुछ विरोध किया। पार्षद को भी कुछ लोगों ने नंबर से फोन किया, लेकिन दोनों पार्षद नहीं आए। क्या मामला का? मामला यही है कि हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसके पहले हमने वसुंधरा लाल जी आई थी जीतने के लिए, उन्होंने कहा कि हम साल भर के अंदर रोड बना देंगे आप लोग का, आप लोग हमको जिताइए, लेकिन वसुंधरा लाल आज तक देखने नहीं आए। अच्छा, रोड का जो टेंडर है कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ पर इतना रोड का टेंडर कोली रोड तक है, लेकिन सूर्यलोक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया गया। ना तो 50 का वार्ड आते हैं, ना 51 का आता है, हम लोग सब दिन किचड़े में बूल रहे हैं। ऐसे में तो जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से साला किचड़े देख रहे हैं। रोड का टेंडर हो गया था ना? हाँ हो गया था, नौपी भी उठा करके ले गए, वही नौपी उठा करके इधर बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये इलाका वार्ड नंबर 50 और 51 दोनों के अंदर आता है, और दोनों वार्डों के पार्षद लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पार्षदों का ये रवैया लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी सड़क निर्माण का विरोध जारी रहेगा। भागलपुर से TV45 के लिए विभूति सिंह की और इसी खबर पी और बीस दादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभूति सिंह हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। विभूति, देखिए अगर हम बात करें तो सड़क का निर्माण किसी और कॉलोनी में शुरू करा दिया गया, जबकि टेंडर जो है वो किसी और कॉलोनी के लिए निकला था, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी जी, ऐसा है कि बबरगंज थाना क्षेत्र से सड़क का जो टेंडर है कोली फुटा होते हुए बबरगंज से कोली तक का टेंडर था, जैसा कि ग्रामीणों ने कहा है, लेकिन अभी सूर्यलोक कॉलोनी में सड़क निर्माण को लेकर काफी बवाल मची हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कोली से होकर जा रही थी, सड़क का टेंडर हुआ था, लेकिन पार्षदों की मिली भगत से और जो सड़क निर्माण में जितने भी इंजीनियर हैं उनकी मिली भगत से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और सड़क निर्माण हो रहा है। जी जी विभूति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सड़क का टेंडर किसी और इलाके के लिए और सड़क का निर्माण किसी और कॉलोनी में शुरू करा दिया गया, जिससे लेकर लोगों में अब विरोध भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा भी फूटा हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉलोनी में पहले से ही पक्की सड़क बनी हुई है। स्टैंड बाय, वाइंड अप करेंगे, फेड आउट, टेक यू। उसी के साथ 5 के पंच में इतना ही, बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।